सीता हरण व हनुमान सुग्रीव मिलन प्रसंग सुनाया गया। डूंगरपुर शहर के रामबोला मठ में कथा के सातवें दिन मंगलवार को कथावाचक देवी माधवी पाठक ने भगवान श्री राम द्वारा सबरी को नवधा भक्ति मार्ग, सीता हरण व हनुमान सुग्रीव मिलन प्रसंग सुनाया गया। देवी माधवी पाठक ने बताया कि श्री राम की नवधा भक्ति के बारे में रामचरित मानस के अरण्य कांड में बताया गया है कि जब सबरी राम के समक्ष थोड़ा संकोच कर रही थी, तब श्री राम ने सबरी से कहा था कि भगवान के निकट जाति धर्म कुल और चतुराई का कोई मोल नहीं होता, वह तो सिर्फ भक्त की भक्ति को ही जानते हैं। तभी राम ने सबरी को नवधा भक्ति मार्ग बताया। नवधा भक्ति का वर्णन सतयुग में भक्त प्रहलाद द्वारा और त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा किया गया है। राम सीता के वनवास काल के दौरान रावण ने अपनी बहन सूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने अपने मामा मरीच के साथ मिलकर सीता हरण की योजना रखी थी। भक्ति मार्ग ही वह मार्ग है जिसमें मनुष्य ईश्वर के समक्ष पहुंच सकता है। आज की कथा में आरती प्रसाद के यजमान मदन सिंह चौहान रहे। बुधवार प्रातः 8 से 9 बजे तक कथा समापन तथा भगवान श्री राम का जन्म उत्सव रामबोला मठ में धूमधाम से मनाया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डी लाइव न्यूज।